मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा को किया संबोधित। वहीं राज्यपाल राम नरेश यादव के परिसहाय ने भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राज्यपाल की ओर से त्रासदी के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहर बालाघाट में शहीद मनीष सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने शहीद के परिजन को दी संतावना। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री अंतर सिंह आर्य ने 6 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों का लिया जायजा। और महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने चांदबड़ स्थित भास्कर दीवान भवन में बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में प्राप्त की जानकारी। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मानवता के प्रति भोपाल गैस त्रासदी जैसा अपराध दुनिया में फिर कहीं नहीं हो, इसका संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी शहर को 3 दिसंबर 1984 का भोपाल फिर नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरकतुल्ला भवन में भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन जरूरी है। प्रकृति के सीमा से अधिक शोषण होने पर त्रासदी होती है। विकास की अंधी दौड़ में हमें सुरक्षा को नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश के वीर सपूत शहीद मनीष सिंह को उनके गृह नगर बेहर से पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट जिले के बेहर पहुंचकर शहीद मनीष सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मनीष सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 223 बटालियन के जवान थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले में वे वीरगति को प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहीद का परिवार अपने को अकेला नहीं समझे, मध्य प्रदेश सरकार उसके साथ है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के डॉक्टर रोहित त्रिवेदी और इंदौर की राबिया खान को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दृष्टि बाधित डॉक्टर रोहित त्रिवेदी शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। दृष्टि बाधित राबिया खान पवित्र कुरान का अरेबिक ब्रेल संस्करण तैयार कर रही है। खास बात यह है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा हर साल विकलांग कल्याण से जुड़े विशेष प्रयासों, नवाचारों, संस्थाओं और विकलांगता के बावजूद श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है। दीदी आप हमारे यहाँ बार बार आना, निराश्रित असहाय और प्लेटफॉर्म पर लवारिस मिले बच्चों ने आग्रह महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह से किया। माया सिंह ने आज गैस प्रभावित क्षेत्र चांदबड़ और बजरिया स्थित बाल गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्था संचालक से सभी बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। ये बाल गृह शासकीय सहायता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी भी साथ में थी। महिला बाल विकास मंत्री दोपहर में अचानक चांदबड़ स्थित भास्कर बाल भवन पहुंची। नृत्य सेवा सोसाइटी द्वारा संचालित इस संस्था में 29 बच्चे हैं। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आज भोपाल के इटखेड़ी ग्राम में 6 दिसंबर से शुरू होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लिया। आर्य ने ग्रीन इज्तिमा क्लीन इज्तिमा नारे की प्रशंसा की। उन्होंने तैयारियों पर संतोष जताया। इज्तिमा कमेटी के सदस्य अतिकुल इस्लाम ने बताया कि इस साल तकरीबन 15 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इज्तिमा कमेटी ने पॉलिथिन उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अधीक्षक मसाजिद कमेटी यासिर अराफात भी मौके पर उपस्थित थे। मंत्री ने कहा कि इज्तिमा भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश का भी गौरव है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।